जय माँ लक्ष्मी। ग्रहों के राजा सूर्य जो सेंटर में सभी ग्रहों के, उनका प्रवेश बुध के घर कन्या राशि में होने वाला है और जल्दी ही होगा ये, जिससे पांच राशियों पर आ सकती है मुसीबत। इनका बजेगा बैंड। और क्या होगा ये सब पूरा जानेंगे इस पूरे वीडियो में, क्योंकि सूर्य गोचर का उन पर नकारात्मक असर हो सकता है। इसकी वजह से उनको धन संकट का सामना भी करना पड़ सकता है, कुछ लोगों के सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि सूर्य जो है ना यश और कीर्ति के देने वाले हैं। यदि ये निगेटिव चाल निगेटिव उसमें प्रवेश करेंगे, उन राशियों के अगेंस्ट घर में जाएंगे, राशि में प्रवेश करेंगे, तो उनको यश कीर्ति में कमी आ सकती है। काम में असफलता से वह विचलित भी हो सकते हैं, जिससे फिर सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए हम जानते हैं कि सूर्य गोचर का राशियों पर नकारात्मक प्रभाव किन पर रहेगा और कैसे रहेगा, क्योंकि सूर्य देव जो है ना ग्रहों के राजा हैं, ये सेंटर में रहते हैं और सूर्य ही हमें यश कीर्ति सम्मान धन वैभव। जब यश कीर्ति सम्मान क्यों मिलता, हमारे पास धन वैभव होता है, तो जब यह कमी होगी इसमें तभी उन राशियों को गड़बड़ होगा। इसका असर तो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, किसी पर अच्छा किसी पर बुरा, लेकिन पांच राशि वाले सावधान रहे कुछ, जिससे उनके जीवन में परेशानियों की कमी हो जाए। सावधानी से काम बन जाते हैं, यदि हम असावधान रहते हैं तब ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। इसलिए किन राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा ये हम पहले जानते हैं और कुछ उपाय हम वीडियो के बाद में बताएंगे। जानने से पहले माता लक्ष्मी के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। और सूर्यदेव का हम लास्ट में आपको मंत्र बताएंगे और उपाय बताएंगे सभी राशियों के लिए, जिनके लिए मुश्किल है वह उस उपाय को करें तो उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, सूर्यदेव की कृपा फिर मिलने लगेगी। इसलिए चूके ना इस पूरे वीडियो को देखें, सावधानी से कहीं स्किप भी ना करें, तभी आप जान पाएंगे, लास्ट में उपाय भी बताएंगे पांचों राशियों के लिए। सूर्यदेव की कृपा चाहने के लिए भी सभी सूर्यदेव की कृपा चाहने वाले भक्त चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। पहली राशि है कन्या, कन्या नहीं, कन्या राशि में तो गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव। पहली राशि है मेष, मेष राशि पर कन्या राशि में सूर्य के गोचर से जो अशुभ प्रभाव पड़ सकता है वह क्या रहेगा, आपके अंदर अहम की भावना बढ़ जाएगी, यानी अहंकार आ जाएगा, जिससे अहंकार आने के कारण आपके आपसी संबंध बिगड़ेंगे। सबसे पहले तो आपके लाइफ पार्टनर या लव लाइफ में ही वाद विवाद होने की आशंका है। गुस्से के कारण आप अपने पार्टनर से रिश्ते खराब कर सकते हैं, अपने काम के क्षेत्र में अपने कलीग से सहकर्मियों से अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं, घर में भी अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं। अगर व्यापारी हैं तो फिर आप अपने जो कस्टमर है उनसे ही गुस्से के कारण रिश्ते खराब कर सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, अब सब जगह आप पर यही हावी हो रहा है, आपके अहंकार की वजह से आपको क्रोध बढ़ेगा, तो आपको अपने को शांत रखना होगा। ये आप गांठ बांध लें, जब भी गुस्सा आए आप जपने लगें ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः, जिससे सूर्यदेव आपकी बाधा को शांत करेंगे, क्रोध को शांत करेंगे, और एक गिलास पानी पी लें। नहीं तो आपके बने बनाए काम भी खराब होने लगेंगे और मन के मुताबिक जब आपको सफलता नहीं मिलेगी तब आपका मन फिर अशांत रहने लगेगा। इसलिए क्रोध पर काबू करें, पहले से बता दिया है। दूसरी राशि है जिस पर कुप्रभाव पड़ने वाला सूर्यदेव का, तुला। सूर्य के गोचर के समय में तुला के राशि के लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है, क्योंकि आपको आने वाले 2-3 दिनों में अपने फिजूल खर्ची पर भी लगाम लगाना होगा, नहीं तो आपका धन भी धन संकट का आपको सामना करना पड़ सकता है। धन की कमी के कारण फिर आपके काम अटक सकते हैं, आपका मन अशांत रह सकता है, इससे भी आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
इस बीच में फिर आपके दुश्मन सक्रिय हो जाएंगे, आपके कॉम्पिटेंट जो आपके व्यापार या फिर नौकरी क्षेत्र में जो हमेशा से आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मौका मिल जाएगा। इसलिए आप फिजूल खर्च से बचें, बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करें और थोड़ा जो कमा रहे हैं उसमें से बचाने का सोचें। यही आपको सावधानी बरतनी है, और आप नहीं तो जो आपके दुश्मन हैं आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सावधान रहें, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका मन विचलित हो रहा, कुछ तबीयत खराब होने जा रही है, आप सूर्य देव को मन में याद करें, उनके तेज को याद करें और उस तेज को अपने मन में बढ़ता हुआ महसूस करके फिर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, तब कुछ आगे सोच विचार कर काम करें। अगली राशि है मकर राशि। सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण मकर राशि वालों को भी सावधान और बहुत सावधान रहना होगा। मन को शांत रखकर आप काम करें, कोई निर्णय लें, तब भी आप बहुत मन शांत करके पहले बैठें, सोचें विचारें, फिर कुछ डिसीजन पर पहुँचें, नहीं तो सफलता नहीं मिल पाएगी, जिससे आपको फिर और उलझनें बढ़ेंगी मन में। काम में लापरवाही न करें, न व्यापार क्षेत्र में न नौकरी क्षेत्र में, नहीं तो ये लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। बड़ी सतर्कता से जागरूक होकर काम करें। नौकरी पेशा वाले कार्यस्थल पर समय संयम से रहें और शांत रहें, संतुलित व्यवहार करें अपने बॉस के साथ, लीडर के साथ और अपने कलीग के साथ। बोलने से पहले 10 बार सोचें तब एक बात बोलें, नहीं तो आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है कोई आपका सबऑर्डिनेट, आपके नीचे काम करने वाला। इस समय आपको मानसिक सेहत का ख्याल रखना होगा, नहीं तो आप तनाव में आ सकते हैं। यानी सोच समझ कर बोलें तभी काम करें, तभी आप मानसिक तनाव से बच पाएंगे। बड़ी सावधानी से मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से सावधान रहकर के अपने जीवन में समझ कर आगे बढ़ना है, नहीं तो सूर्य का नीच आपकी कन्या राशि में परिवर्तन आपको ले डूबेगा। इसलिए बड़ी सावधानी बरतें और अपना काम धीरे से निकाल लें। अगली राशि है फिर कुंभ राशि। सूर्य का गोचर कुंभ राशि के लोगों के लिए आर्थिक संकट ला सकता है, इस वजह से आपको 1 महीने तक रुपयों का अच्छे से प्रबंधन करना होगा, नहीं तो फिजूल खर्ची के कारण धन की समस्या हो सकती है और आपको कर्ज लेने की स्थिति भी बन सकती है। संभल कर रहिए, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके धन के लिए दुश्मन बनकर हो रहा है, आप ये समझ लें। इसलिए अपना पहले से बजट बना लें, एक एक पैसा पाई पाई लिख लें, कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा, सोच समझ कर उस पाई को खर्च करें, पैसे को खर्च करें। बजट के अनुसार काम करेंगे तो आपका फिजूल खर्ची रुकेगी, तो आपको उतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आपकी राशि के लोगों को वाद विवाद से भी दूर रहना होगा, नहीं तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता। विपरीत परिस्थितियों में खुद को संयम से रखें और शांत रहें, इस दौरान आप कोई बड़े निर्णय ना लें। अगली राशि है मीन राशि। सूर्य का राशि परिवर्तन मीन राशि के लोगों के लिए नकारात्मक प्रभाव वाला साबित हो सकता है। करियर में आपको मनचाही सफलता ना मिलने से आप परेशान हो सकते हैं मानसिक रूप से, फिर आप पर मानसिक दबाव बन सकता है। इसलिए शांत मन से देखें, सोचें समझें और हो सके तो अगर गवर्नमेंट जॉब में ना हो प्राइवेट सेक्टर में, तो अपना जॉब चेंज करने की, बेटर पोजीशन ढूंढने की कोशिश करें। और नौकरी करने वालों के लिए तो समय कठिन होगा, कोई भी गलत काम ना करें, जिम्मेदारी से काम करें, राजनीति करने से बचें, इधर की उधर ना करें। आपके अंदर अहंकार बढ़ सकता है, इससे आपके काम और रिश्ते दोनों चीज़ें खराब हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब आपके रिश्ते किसी से ख़राब होंगे तो आप उसकी टेंशन लेंगे और टेंशन से ही 100 बीमारियाँ बढ़ती हैं, 100 टेंशन 100 बीमारियों की जड़ होती है। इसीलिए आप बड़े ही सोच समझ कर रहे हैं। अब हम सभी 5 राशियों के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं, जिससे आपके सूर्य की पीड़ा शांत होगी। आप प्रतिदिन तांबे के लोटे में पहले 1 बूंद गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और गुड़ डाल लें, फिर उस तांबे के लोटे को जल से पूरा भर लें। स्नान करने के बाद ओम सूर्याय नमः, श्री आदित्याय नमः, श्री भास्कराय नमः, ऐसा बोलकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। और ये काम आपको जल्दी करना होगा, हाथ उठाकर जिस सीध पर सूर्य होने चाहिए
वहाँ आपको उस जल की धारा से सूर्यदेव को आपको देखना है, और फिर यही मंत्र बोलना, ओम श्री सूर्याय नमः, श्री आदित्याय नमः, श्री भास्कराय नमः। यानी कम से कम 8 साढ़े 8, लेटेस्ट बाई 8:30, 8:30 से पहले आप जल चढ़ा लें, तभी आप सूर्य को पानी के जल की धार में से देख पाएंगे, जिससे सूर्य की जो इससे है परेशानियां वो समन होगा। और आदित्य स्त्रोत्र का पाठ करें, यानी सूर्य स्त्रोत्र का पाठ करें, सूर्य चालीसा पढ़ें, और पीली वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और पीली वस्तुओं का, चने की दाल का, केले पर चने की दाल गुड़ चढ़ाएं, केले के पौधे पर गुरुवार के दिन, जिससे गुरु अच्छा होगा कुंडली में, तो सूर्य का तेज आपको फिर बढ़ा हुआ मिलेगा। छोटे मोटे उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। थोड़ी सी चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर रविवार के दिन आप बहते जल में बहा दें, तथा रविवार के दिन सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए आप, मैंने बताया ना जैसे ये आदित्य स्त्रोत्र तो हर दिन करें, हर दिन सूर्य चालीसा पढ़ें, हर दिन सूर्य को जल चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन पीले भोग आप भगवान विष्णु को लगा दें सूर्य के नाम से, क्योंकि वही सब कुछ हैं, वासुदेव कृष्ण को आप भोग लगा दें पीले लड्डुओं का, और फिर बांट दें, जिससे आपके जीवन में सूर्य की परेशानियां कम होंगी और फिर उलझनें भी कम होंगी। आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, तथा और वीडियो देखें और दूसरों में शेयर करें। जय सूर्यदेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और ओम सूर्याय नमः जब समय मिले तब बोलते रहें, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। आशा है आपको जीवन में सफलता मिलेगी। जय सूर्यदेव।